गुप्ता और आप देख रहे हैं एसपीएन 9 न्यूज। लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी में बड़ी फूट हो चुकी है। पार्टी के 27 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। वो कहते हैं कि जब अपने घर शीशे के हों तो दूसरों के घर पर पत्थर नहीं फेंकते। वैसे तो ये बात एलजेपी चीफ चिराग पासवान पर एकदम मुफीद बैठती है, लेकिन शायद ये उन्हें समझ नहीं आता है। दरअसल लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष चिराग पासवान ने लंबे अरसे बाद एक बार फिर नीतीश सरकार को निशाने पर लिया है। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए सीएम नीतीश कुमार पर बिहार की कानून व्यवस्था को लेकर हमला बोलते हुए सवाल उठाया कि जब गृह विभाग स्वयं मुख्यमंत्री के पास है तब भी अपराधी इतने बेखौफ कैसे हैं कि नामी गिरामी लोगों की हत्या करने से भी डर नहीं रहे हैं। चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए कहा, अब तो समाज के रसूखदार और जाने माने लोगों की हत्याएं होने लगी है। गृह मंत्री नीतीश जी ही कम से कम अब उनको कड़े कदम उठाने चाहिए। हमने नई सरकार को काम करने का मौका दिया। ऐसा नहीं है कि दोबारा सरकार बनने के बाद हम बोरिया बिस्तर लेकर सरकार के पीछे पड़ गए। लंबे समय से बिहार में कानून व्यवस्था का यही हाल है। चुनाव के समय से हम ये बात उठाते आ रहे हैं। चिराग पासवान ने मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होने पर भी सवाल उठाते हुए कहा कि एक एक मंत्री के पास कई कई विभाग हैं। हम लोग देख रहे हैं जिस रफ्तार से बिहार में कामकाज होना चाहिए मंत्री के अभाव में नहीं हो रहा है। पार्टी और संगठन का खूब काम हो रहा है। प्राथमिकता पार्टी संगठन नहीं प्रदेश होनी चाहिए जब आप प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। चिराग पासवान के बयान पर एनडीए सरकार में शामिल हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के अध्यक्ष जीतन राम मांझी ने पलटवार किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा, चिराग पासवान जी आप बिहार आते कब है कि आपको डर लगेगा। वैसे 2020 के चुनाव में बिहार की जनता मालिक ने स्पष्ट तरीके से बता दिया है कि सूबे की आवाम को सबसे ज्यादा डर आप और आपकी जिस मदद करते हैं उनसे लगता है, तभी आपको और आपके उस छोटे भाई को सत्ता से दूर रखा है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी ताजे तमाम अपडेट्स के लिए आप जुड़े रहिए एसपीएन 9 न्यूज के साथ। और अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल एसपीएन 9 न्यूज को भी जरूर सब्सक्राइब करें।